देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज। आज हम लोग मौजूद हैं कानपुर के होनहार टीचर प्रेरित गुप्ता जी के, जो कि केमिस्ट्री के ज्ञाता माना जाता है उनके उनके गुरु श्री करुणेश त्रिपाठी जी, जिनकी की एच ब्लॉक पे कोचिंग है। आज हम लोग उन्हीं की कोचिंग मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, सर भी मौजूद हैं। ये फर्स्ट ईयर का बैच है, जो कि इनसे अभी हम लोग इनका जो हाई स्कूल दे करके आए हैं। सर ये यूपी बोर्ड का बैच है, तो ये यूपी बोर्ड का बैच है, इनसे पूछते हैं इनका पिछला कार्यकाल कैसा था। आप इतने समय जो प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ रहे हैं, किस तरह का ये महसूस कर रहे हैं? आने वाले समय में क्या इनको ये कोचिंग छोड़नी पड़ सकती है जब यहाँ पे डंडे चलते हैं? आइए इनसे पूछते हैं यहाँ के बच्चों से। आपका शुभ नाम? खुशी जयसवाल। प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस में आपको कैसा फील होता है जो यहाँ पे सर पढ़ाते हैं, समझ में आता है क्या? बहुत ही अच्छा फील होता है और जो सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो सर पूछे भी क्लियर करते हैं हम लोगों के। हम लोग के डाउट्स हम लोगों से नहीं निकलते हैं, बट सर हम लोगों के डाउट्स क्लियर करवाते हैं अच्छे से पूछ के वापस से। तो क्या यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं कि जिनमें आप लोग की प्रोग्रेस समझ में आए या फिर नहीं होते? ऑब्वियसली होते हैं, हमेशा होते हैं, और जिस चीज़ में हम लोगों की कमी रह जाती है सर उस डाउट को भी क्लियर करते हैं और रीटेस्ट भी देते हैं। तो जैसा कि रही बात, अभी आप लोग हाई स्कूल देकर क्या, हाई स्कूल में आपका कैसा क्या परसेंटेज रहा, क्या पहले हाई स्कूल में आपने कहाँ पे कोचिंग करी थी, किसने आपको सजेस्ट किया यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है? हमारे कोचिंग के बैच के बड़े सीनियर्स थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया और हमारी पुरानी टीचर ने भी सजेस्ट किया कि आप प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस जाके केमिस्ट्री की कोचिंग कर सकते हैं। और जब मैं फर्स्ट डे कोचिंग में आई थी तो सर ने इतना कंफर्टेबल फील कराया कि अगले दिन से मेरा मन ही नहीं किया कि हम यहाँ छोड़ के कहीं और केमिस्ट्री पढ़ें। आपका शुभ नाम? यशी वाजपेयी। केमिस्ट्री क्लासेस जो यहाँ सर पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता है मतलब जो इनकी बॉन्डिंग है पढ़ाने की, वो किस ढंग की है? सर इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बताएं। पहले जब मैं टेंथ में थी तो मैंने काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश की यूट्यूब से, मुझे उतना उसमें भी डिटेल्स नहीं समझ में आया बायजूस वगैरह के टीचर से, जितना अच्छे से सर पढ़ाते हैं एक बार में ही सब क्लियर हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो सर से पूछ लो, सर जितनी बार पूछो सर उतनी बार डाउट्स क्लियर करते हैं, कभी मना नहीं करते कि हम नहीं बताएंगे। तो आपके हाई स्कूल में परसेंटेज किस हिसाब के थे जो आपने प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस ही सजेस्ट करी कि नहीं यहाँ सही भविष्य मेरा बनेगा और कहीं से नहीं बने? मेरे कोचिंग के जो सर थे जहाँ से मैंने हाई स्कूल की कोचिंग की थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस जाना, वहाँ अच्छा पढ़ाई होती है, और मैंने आके देखा बहुत अच्छा लगा और सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाए, पहले दिन ही बहुत अच्छा लगा। डंडा तो नहीं, नहीं अभी तक तो नहीं, मतलब अभी बचे हुए हैं हम लोग। हमारे साथ बैक बंचर्स भी है, आइए उनसे भी पूछते हैं। आपका शुभ नाम? ईशु गुप्ता। मुझे सर का बताने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने का तरीका तो अच्छा लगेगा, और सर हर डाउट को अच्छे से क्लियर करते हैं। और हाँ, तो भैया आपका शुभ नाम? अरमान। अरमान जी, अरमान जी, आपके हाई स्कूल में क्या परसेंटेज रहा? सर हाई स्कूल में मेरे 87% है। 87%। तो भैया जैसे यहाँ सर पढ़ाते हैं तो ऐसे कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा समझ में इनका आता है, सबसे ज्यादा जो टॉपिक है कोई फेवरेट होता है टॉपिक? सर अभी तक के जितने भी पढ़े सभी टॉपिक समझ में आएंगे, सभी टॉपिक समझ में आएंगे, बढ़िया पढ़ाते हैं। और जैसे आपका ये जो हाई स्कूल में आप किस जगह स्टडी करते थे, कौन से स्कूल से आप बिलोंग करते हैं? थोड़ा मरियम पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे हम तीन तक के। आप रहते कहाँ पे? बाबूपुर केमिस्ट्री क्लासेस के भी और अपने स्कूल के भी टॉपर्स मौजूद हैं, उनसे भी आज हम लोग बात करेंगे। जो हमारे भी जस्ट पीछे आप देख रहे हैं ये टॉपर्स हैं, सब 80s की लाइन में हैं, कोई 87 है तो कोई 83 है, 89 भी है और 82 भी है। हमारे सामने इतने समय 87% वाले भी मौजूद हैं। आइए पहले हम इनसे पूछते हैं कि इनका बैकग्राउंड कैसा था, कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, और इनका भी सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो भी हम लोग लेंगे, और जब प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस में ये लोग बराबर लगातार स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग इनसे पूछेंगे। आइए जानते हैं। आपका शुभ नाम? अधिका निगम। आपके जो 87% थे किस तरह से आपने स्ट्रगल किया थोड़ा उसके बारे में? सर बाकी सब जगह ठीक थे, बस साइंस में दिक्कत हो रही थी टेंथ में, जब से फिर 11th में आए उसमें केमिस्ट्री में तो बुक देख के हालत खराब हो रही थी, बुक देख करके। हाँ, मेरी जो सिस्टर है वो भी सर से पढ़ी है तो उनकी एक्सपीरियंस है, उन्हें बोला कि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, तो फिर जब से यहाँ पे है तब से। तो फिर तो आपका इस कोचिंग में फर्स्ट डे कैसा था, कैसा आपको लगा कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कैसा? नहीं सर ने फर्स्ट डे पे बहुत मोटिवेट करा,
कि प्रॉपरली पढ़ने के लिए बाकी सारी चीज़ें। बहुत फ्रेंडली नेचर है सर का, तो हम लोग सर का कभी डर नहीं लगा सर से क्वेश्चन पूछने में या कुछ भी। तो बाकी सब जैसे आप, हाँ मेरे फादर ब्लॉगर है और मदर हाउसवाइफ है। सिस्टर मेरी ग्रेजुएट वो कर रही है, बैंक की तैयारी कर रही है, बाकी वेब डेवलपर है। आपका आगे फ्यूचर क्या है, आप क्या करना चाहती हैं? UPSC क्लियर। आपका शुभ नाम? इशिका सचान। इशिका सचान निगम। देख लो दोनों बहनें हैं, मोती की लड़कियां, एक निगम है तो इशिका। आपका फर्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन? मेरा नाम इशिका सचान है, मेरे फादर का नाम अनुराग सचान है जो कि एक बिजनेसमैन है, और मेरी मदर अंकिता सचान वो एक हाउस वाइफ है, और मैं अपने मम्मी पापा के एग्जीक्यूटिव लीडर हूँ। आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या करना चाहती हैं? मैं भी UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ, उसे क्रैक करना चाहती हूँ, यही है आगे करना। प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस? प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस में मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं कोई भी डाउट रहते हैं वो सर बहुत अच्छे से क्लियर कराते हैं, और कोई भी क्वेरी वो छोड़ते नहीं है, और हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और हमारी बुक जैसी बहुत मोटी है तो उसे देख के भी पहले डर लगा था कि कैसे क्या ओपन करते हैं, हर चीज़ को यहीं पे लर्न कराते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसा कि आप अपने सर के लिए कुछ दो लाइनें बोलना चाहेंगी, जो क्योंकि सर इतना मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आ भी रहे हैं, बोल्ड भी आ रहे हैं, जो कि मार्च अप्रैल में बोल्ड आए आपने, उसके लिए आप अपने सर के लिए कुछ दो? पहले मैं अपने सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो अपने इतना टाइम निकाल के हमें देते हैं और इतने अच्छे से हमें पढ़ाते हैं और हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अभी तो। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, उनका नाम आनंद सिंह है, और मेरी मदर एक हाउस वाइफ है, उनका नाम सुमन लता यादव है। मेरा जो ड्रीम है वो एक सर्जन बनने का है। मेरा ब्रदर अभी क्लास 7th में है और वो अब स्टडीज ही चल रही है, छोटा है मुझसे। और तो ड्रीम आपका सर्जन है? नहीं, पर ड्रीम्स तो ड्रीम्स होते हैं, उनको सब्जेक्ट की भी बायोलॉजी है ना मेरे पास। तो आप किस स्कूल से? गुरुकुल इंटर कॉलेज। आपका जो हाई स्कूल था वो आपका कैसा था? हाई स्कूल तो मेरा ठीक रहा, मैंने जहाँ से पहले कोचिंग की थी वो भी सब कुछ अच्छा था, बट मेरे क्या है ना कि मुझे हर सब्जेक्ट में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, और मैं जब फर्स्ट ईयर में आई और मैंने जब केमिस्ट्री ली तो ऐसे ही मेरा केमिस्ट्री में भी था, बट मैंने जब प्रेरित सर से पढ़ा तो मुझे मेरे पहले टीचर ने जहाँ मैं कोचिंग करती थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि अब हाँ क्लासेस लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा ही पढ़ाते हैं, और जब मैं यहाँ आई तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि हाँ कि केमिस्ट्री है तो मतलब अगर प्रेरित सर हैं तो केमिस्ट्री ईजी है बस। तो जैसे जो प्रेरित सर का स्लोगन शायद आज भी चलता है केमिस्ट्री सिंपल, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो कि उनके द्वारा आपको, आप लोगों को, आप लोग इतने सारे बैठे हो, जो अच्छी लगती है आपको, जो यहाँ पे मोटिवेशनल चीज़ें भी है काफ़ी ज़्यादा बताते हैं उसके बारे में? मतलब सर का क्या है ना कि मतलब कुछ टीचर्स होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट, तो उनसे पढ़ने में भी डर लगता है, और जो डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। यहाँ सर हैं थोड़े फ्रैंक भी रहते हैं और मतलब स्ट्रिक्ट भी काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रैंक नहीं है, वो पढ़ाते भी काफ़ी अच्छे से हैं और डाउट्स क्लियर करते हैं, और जब इंसान का डाउट्स क्लियर होंगे तो उसको हर चीज़ समझ में आएगी। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फेवरेट टीचर कौन से हैं। बाकी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, पहली बात तो सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तृप्ति सिंह है, और मेरे फादर का नाम रामेश्वर सिंह है, और मेरी मदर एक हाउस वाइफ है। मेरी एक सिस्टर है वो उनसे छोटी है, 5th क्लास में पढ़ती है। और क्या पढ़े? आपका फ्यूचर ड्रीम? मेरा फ्यूचर ड्रीम है हमको IIT करनी है, IIT की तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपने IIT के लिए कुछ अभी सोच रखा है कि किस ढंग से, किस प्लेटफॉर्म से मैं IIT कर सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है, हमने सोचा मतलब बहुत बार यूट्यूब में वीडियोस भी देखे इसके बारे में सर्च कर, मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है। पहले बेटा आप थोड़ा आगे आ जाओ, मैं गिर जाओ। सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। मेरा नाम मरियम नूर है, मेरे पापा का नाम, फादर नेम उमर अहमद है, मदर का नाम आलिया नाज है, मेरे फादर सर्विस मैन है और मदर हाउस वाइफ है, मेरी एक छोटी सिस्टर है और मैं बड़ी हूँ। आपको यहाँ प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस में आके कैसा फील होता है, जो कि एक घर ऐसा माहौल है कि नहीं बाहर और टीचर हैं जिसको मारते पीटते हैं ऐसा लगता है?
मुझे यहाँ के बहुत अच्छा फील होता है। अदरवाइज जो सर हैं वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं अच्छे से क्लियर करते हैं, और बाकी टीचर्स की तरह नहीं है, मतलब मारना पीटना तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ जो अभी तक बच्चे मौजूद थे जिनका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया, उनसे पूछताछ करी, कुल मिला के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि ये चल रहा है बराबर HN TV पे, आज वही बच्चे जो कि एक अपने आप में एक ब्रिलियंट महसूस करते हैं, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है तो कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई JEE मेंस की तैयारी कर रहा है, सब लोग एक अलग ही लेवल है, OP लेवल है, और ये लेवल उनके दिमाग में कहाँ से आया वो भी आज इनसे पूछेंगे। और जो आपके सर हैं, प्रेरित सर हैं, अमन सर हैं, जो आप लोग को पढ़ाते हैं, उनके लिए कुछ भी दो लाइनें जो आप अपने शब्दों में बोलना चाहें वो एक बार आप बोलिए। थैंक यू प्रेरित सर, थैंक यू सर। जैसा कि आप लोग ने यहाँ पे बच्चों का देखा कि जिस ढंग से इन्होंने यहाँ पे बताया सर के बारे में, यहाँ की पढ़ाई के बारे में, यहाँ के नेचर के बारे में, और यहाँ की जो इंजॉइंग लाइफ है इनकी उसके बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर। आज हम लोग मौजूद हैं प्रेरित केमिस्ट्री क्लासेस में, जहाँ पे आज हमारे साथ प्रेरित सर भी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछेंगे आज इस केमिस्ट्री के बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में, कि कैसा क्या इनका जो बच्चों के साथ लगाव है उसके बारे में, और बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं अपने कोचिंग के माध्यम से, आइए जानते हैं। हाँ सर, जैसे कि अभी जो अभी हम लोग ने अंदर क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे बच्चों से, बच्चों का कैसा क्या व्यवहार है आपके प्रति, थोड़ा बताइए। मैंने 2012 से पढ़ाना शुरू किया था, आज 2022 चल रहा है इस समय, तो 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में मेरे अंदर भी कई बदलाव आए, और साथ ही साथ बच्चों के व्यवहार में बस इतना कहूँगा कि अब पहले से बच्चों का व्यवहार थोड़ा तो बदलता जा रहा है समय के साथ, लेकिन जो मेरे साथ रहा कि मेरी और बच्चों के बीच की जो केमिस्ट्री रही केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त, वो हमेशा कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पर रही। बच्चे हमेशा ही जैसे जैसे साल बीतता जाता है वो हमारा और बच्चों का कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है कि फिर कहीं लगता नहीं है कि नहीं यार ये बच्चे मतलब बस छोटे भाई बहन से ही लगते हैं, कोई किसी और के यहाँ से आ रहा है, कोई अवस्थी है, कोई मिश्रा है, कोई मतलब नहीं, सब बच्चे बस अपने ही होते हैं, सबके साथ इक्वल मेहनत रहती है, सारी चीज़ें रहती हैं, प्रयास रहता है हर एक को सही रास्ता दिखाया जा सके, जो जिस फील्ड में अच्छा है उसको उसी ओर प्रेरित किया जाए उसको कि नहीं यार तुम यहाँ पर अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा ये फील्ड अच्छी है या तुम्हारा इस धर मन ज़्यादा लग रहा है तो तुम उस पर फोकस करो, क्योंकि हर कोई पढ़ाई के लिए ही नहीं बना होता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अलग ही प्रतिभाएं होती है। मेरा हमेशा से मानना है जिसकी अंदर कोई भी विशिष्ट प्रतिभा है वो बजाय केवल घर वालों या समाज की वजह से कि नहीं बस पढ़ाई पढ़ाई ज़रूरी है, अपनी प्रतिभा को छुपाए नहीं, उस प्रतिभा पे भी काम करे, उस पर उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं मंच देने का प्रयास किया जाए, और उसमें मेरा जितना भी योगदान हो सकता है, सहयोग हो सकता है, प्रयास करता हूँ कि उसको कहीं ना कहीं उस स्टेज तक पहुँचाया जा सके जिससे वो अपनी अपने टैलेंट को शो कर सके, आगे ले जा सके। और कोचिंग में ही अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में मेरा मन है, मेरा प्रयत्न है कि सब्जेक्ट के साथ साथ मैं प्रैक्टिस पर भी फोकस करूँ और बच्चों के लिए प्रैक्टिकल्स को भी कहीं ना कहीं कंडक्ट करा सकूँ, जिससे जो चीज़ें वो पढ़ते हैं या सुनते हैं केवल अगर केमिस्ट्री में उसको वो देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक उस पर और तैयारी कर पाएंगे, आगे चल के नीट के बैचेस को लेकर भी हम लोग का टारगेट है कि अब कंपटीशन लेवल पे भी तैयारी कराई जाए। तो यही कुछ दो तीन प्लान्स हैं जो आगे चलकर बच्चों के लिए सोचे गए हैं, अभी तो इतना ही है। अभी सर से बातचीत करी, सर ने बताया कि हम आने वाले समय में बच्चों के लिए कुछ बदलाव करेंगे, सोचेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी हो सके कि जिनसे वो सीख सके कि हम कैसे पढ़ रहे हैं और इसमें किस कंपाउंड का या किस पार्ट का यूज होता है। अच्छा, क्लियर बने रहिए मेरे साथ, मैं संवाददाता रह सकूंगा, वीडियो जर्नलिस्ट अनिल रस्तोगी जी के साथ कानपुर।